दोस्त, मेरे भाई, बड़े छोटे सभी को तहे दिल से नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को बताने में कि सिंह मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर अब आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर आ रहा है और 3 से 4 दिन के अंदर, मान के चलिए फ्राइडे से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। जोरदार सेटअप के साथ कंप्लीट डिजिटली रहेगा, स्मार्ट बोर्ड रहेंगे, मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो हम लोग पहले फेस कर रहे थे वो आप लोगों को अब देखने को नहीं मिलेगा। और स्टार्टिंग के कुछ वीडियो जो रहेगी वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और प्लस कोर्स के लिए अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए पेड वीडियो भी रहेगा। मतलब जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ाई करते थे उसका सेम इन्वायरमेंट हम ऑनलाइन में भी क्रिएट करेंगे, और बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, मतलब अपने मोबाइल में पढ़ रहे हैं। आप अपनी कोई भी डाउट किसी भी प्रकार की है तो आप उस पर आप टाइप करके भेज सकते हैं और हम आपको प्रॉपर उसको रिजॉल्व कर देंगे, जो भी डाउट रहेगा। और पढ़ाने की अपना बे ऐसा रहेगा कि टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, कोई एक टॉपिक पकड़ेंगे और उस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं वो तमाम डायमेंशंस को मैं कवर करना चाहूँगा। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जिस विद्यार्थी को तैयारी करना है, सपोज करिए एसएससी सीजीएल का विद्यार्थी है या कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है या कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो वो कंप्लीट मैथ्स की क्लास क्यों अटेंड करेगा? अगर किसी एमपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाला कोई विद्यार्थी है तो अगर जिसको 10 kg वजन लोड लेके चलना है तो वो 100 kg का वजन क्यों ले रहा है? तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं बैचेज को डिवाइड करके आप लोग के सामने आऊँ। अगर कोई स्टेट लेवल का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट्स है तो उसको केवल स्टेट लेवल पे ही काम करवाऊंगा, और अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे के जितने भी 2016 से जब से नए एग्जाम जो पैटर्न चल रहे हैं उस पैटर्न पे जितने भी सवाल आए हैं या आने की संभावना है, या टीसीएस जिस डायमेंशन को पकड़ रही है वो तमाम डायमेंशन हम लोग कवर करेंगे। मतलब ये हुआ कि स्टेट एग्जाम का अलग बैच रहेगा जिसमें आपका व्यापम के पेपर कवर हो जाएंगे, कोई अगर बिहार से है बिहार के एग्जाम कवर हो जाएगा, कोई यूपी का पेपर देना चाहता है तो यूपी का भी, मतलब सारे रीजनल स्टेट जितने भी स्टेट हैं सारे के सारे आप पेपर दे सकते हैं, बशर्ते वो स्टेट द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम हो। दूसरा, हम लोग रेलवे के जितने भी पेपर होते हैं तो रेलवेज के लिए अलग से बैच रखेंगे और एसएससी का अलग से बैच रहेगा और बैंकिंग का अलग। मतलब मैथ्स के लिए मैं 4 बैच लूंगा और जिस विद्यार्थी को जिस भी एग्जाम की तैयारी करना हो उनसे विनम्र निवेदन है कि वो पर्टिकुलर बैच के साथ ही स्टिक रहे। उससे क्या होता है कि आपके सिलेक्शन के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो एग्जाम आपको लगता है कि नहीं अभी मैं इस एग्जाम के लिए फुली फ्लेश्ड हूँ, फुली फोकस्ड हूँ, तो आप उसी बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाएं और बहुत बेहतर तरीके से बनाएं, उसी पे काम करें। आपको इधर उधर फालतू की चीज़ों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस के डायमेंशन तो अथाह हैं। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कैट के क्वेश्चंस लेके बैठे हों जबकि सच्चाई ये है कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने नहीं है, तो आप बेवजह अपनी टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं के डायमेंशंस को कवरेज में अपना लाइए और उन्हीं पे काम करिए, उन्हीं पे प्रैक्टिस करिए। तो जो हमारा पेड वीडियो होगा, पेड वीडियो, इसकी 4 बैचेज रहेंगी और सारे लाइव रहेगी। लाइव कहने का सेंस हुआ कि आप हमसे बिल्कुल भी जो भी डाउट हो जिस प्रकार के हो उसी समय आप इंटरेक्ट हो सकते हैं, अपनी मन की बातें जो भी आपसे पढ़ाई से रिलेटेड है हमसे शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व यू,
मतलब मैं आपकी डाउट को 110% रिजॉल्व कर दूंगा। यूट्यूब पे जो वीडियो चलेगा वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो जो पेड वीडियो लेने वाले विद्यार्थी रहेंगे उनको सबसे पहले सिंह मैथमेटिक्स लाइव प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी अपना रखेंगे, और फिर एप्लीकेशन के बाद आप जिस वीडियो को परचेज करना चाहते हैं, हमारा जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। प्राइस बहुत रीजनेबल रखा गया है, एफोर्डेबल रखा गया है, आप इजीली उसको एफोर्ड कर सकते हैं। 799 में, 799 रुपये में 1 ईयर वैलिडिटी, 799 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपकी कोई लेक्चर, आपका टाइमिंग है 6 to 7 o'clock AM में, मतलब सुबह के 6 से 7 बजे आपकी क्लास चलेगी, लाइव क्लासेस। ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा लाइव का बैच का ड्यूरेशन 1.5 घंटा 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटे के बीच में फ्लैक्चुएट होते रहेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि आपकी क्लासेस 1.5 घंटे रहेगी, हो सकता है कि टॉपिक अगर बीच में चल रहा हो या टॉपिक इंटरप्ट पे चल रहा हो तो वो 1.5 घंटे से शिफ्ट होकर 2 घंटे पे जा सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई स्टार्टिंग चीज चल रही हो तो उसमें मैं थोड़ा सा कम ले पाऊंगा, मतलब वो आपका वैरी करेगा क्लास टू क्लास। 799 में 1 ईयर वैलिडिटी रहेगा। अगर मान लीजिए कि आप लाइव क्लास देख नहीं पाए किसी भी कारण से, तो वो वीडियो आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएगी और आप जब भी फ्री हो इजीली उसको आप देख सकते हैं। तो ये आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप लाइव देखेंगे तो आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड में ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे रिकॉर्डेड हो गया वीडियो और रिकॉर्डिंग के बाद आप चाहेंगे कि अगर कोई डाउट पूछना हो तो आप हमसे ये चीज़ नहीं पूछ सकते हैं। तो ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा फ्रॉम योर साइड कि आप लाइव बैच ही अटेंड करें। इससे ये होता है कि एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक अपनी रूटीन बन जाती है, और सबसे पहले विद्यार्थी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको रूटीन में आना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी पढ़ाया जाता है कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन डिफ़िकल्टीज क्यों है, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, रेगुलरिटी नहीं बना पाते। सवाल तो सबको आता है, ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं सभी लोग, पर सब लोग सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कंसिस्टेंसी सभी के पास नहीं है। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप कंसिस्टेंसी बनाइए, लाइव बैच को जरूर से जरूर उसी टाइम पे अपने जो बैच में आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे उसी बैच में निरंतर कंटिन्यू रहिए, उसके साथ बने रहिए। डेफिनेटली आप जैसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत ही अलग हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज, अंदर से कॉन्फिडेंस एक अलग ही तरह का दिखने लगेगा, और जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर क्वालिफाई करने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज हम लोग दोस्तों, आज मैं आपको एवरेज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, औसत टॉपिक के बारे में हम लोग आज बहुत अच्छे से समझेंगे डिटेल्स वे में कि औसत क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है। और तो सब लोग कॉपी पे हेडिंग डाल देंगे एवरेज औसत, सबसे पहले औसत का एक बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को सब लोग जानते भी होंगे, और यहाँ से हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। औसत बराबर एवरेज इक्वल्स टू प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। इसी को अगर अपन इंग्लिश में लिख लें तो एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षणों का योग अपॉन
प्रेक्षणों की संख्या। अब सबसे पहली बात ये रहा कि हम ऑब्जर्वेशन किसको बोलेंगे, प्रेक्षण किसको बोलेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है तो है क्या? जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, कुल 6 सदस्य हैं, ऐसे सपोज कर लेते हैं कि आपके परिवार में देयर आर 6 मेंबर इन योर फैमिली। आपके परिवार में 6 मेंबर हैं और उनकी जो आयु है, उनकी जो उम्र है, किसी का 6 साल है, कोई 12 साल का है, कोई 23 का है, कोई 27 का है, कोई 70 का है, कोई 73 का है, 2 4 2 6 ऐसे इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर 13 का ले लेते हैं और ये 10 का ले लेते हैं। इस तरह के आपके परिवार में इस तरह के आयु के लोग हैं। तो आपसे कोई बोले कि भाई आपके परिवार में जो लोग हैं उनकी औसतन आयु क्या है, ऑन एन एवरेज एज क्या है, तो आप ऐसे थोड़ी उनको बताएंगे कि 10 साल का है, 13 साल का है, 23 साल का है, नहीं। हम क्या करेंगे, ये जितने भी हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया, ये एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन ही तो है, क्योंकि जितने भी आदमी हैं आप सबको ऑब्जर्व भी तो किए हैं, तभी तो आप फाइंड आउट कर पाए कि एक आदमी 10 साल का है, एक आदमी 13 का है, एक 23 का है, एक 27 का है, एक 70 का है, 73 का है। और जैसे ही ये बात पता चल गया, मतलब आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया, आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस इन सब का औसत आयु क्या है, एवरेज एज क्या है, तो बताइए जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं इनका हम सम करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन बताइए क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, और टोटल ऑब्जर्वेशन अपने कितने हो गया, यही करते हैं। अब आप इसको जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जैसे ही जोड़िएगा ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसको 70 जोड़ देंगे तो 70 में ये 10 जोड़िएगा ये हो जाएगा 80। तो यहाँ से 100 प्लस 80, 180 और 40, 210, तो इसको जोड़ने पे आ गया 200, यहाँ से देख लीजिए फिर से 100, 80 प्लस, यहाँ से 80 प्लस 40, 120 और 100, 220 अपॉन 6, तो 110/3, और यही इसका हो गया एवरेज। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, सही भिन्न में भी लिख सकते हैं, 3 9 3 6 18, तो 36.66 इसका औसत आ गया। तो आप किसी को अगर बताएंगे तो यही बोलेंगे कि हमारे परिवार में 6 लोग हैं जिसका औसतन आयु है 36.66 वर्ष। ये हुआ औसत निकालने का एक तरीका। अगर मैं आपसे यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बोल दूं कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो औसत में प्रेक्षणों की संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो एक रिजल्ट आएगा, प्रेक्षणों का योग बराबर औसत गुने प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। इसको अगर अपन लिखना चाहें इंग्लिश में तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बराबर एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको बेसिक, इस पे कई बार सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आप लोग को एक दो सवाल लेके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि किस प्रकार की हमारे लिए यूजफुल है। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर।
तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन है क्या जिसका हम एवरेज निकालना चाहते हैं। तो पता चला कि प्रथम पांच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होते हैं जिसके ओनली दे हैव टू फैक्टर्स, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसकी केवल दो गुणनखंड हो। तो देखिए अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग क्या हम एक से करेंगे? नहीं, ये याद रखिएगा, क्योंकि एक जो है ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है दो से, फिर अगला नेक्स्ट 3, 5, 7, 11, ये हो गए प्रथम पांच अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में हम नंबर ऑफ सिस्टम में बहुत ही डिटेल्स तरीके से, जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं एग्जाम में पूछने के, वो सारा मैं क्लियर करा दूंगा। अभी हम टॉपिक एवरेज कर रहे हैं, इसलिए मैं टॉपिक से डेविएट नहीं होना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको अभी नॉर्मल सी बात बताया अभाज्य के बारे में। तो 2, 3, 5, 7, 11, ये हो गया प्रथम पाँच अभाज्य संख्या, फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर। अब इनका एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज निकालने के लिए अभी बताया कि जितने भी आपको ऑब्जर्वेशंस तो पता चल गया, तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम ले लीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे दीजिए, डिवाइड दे दीजिए। तो कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 5। इनको ऐड कर लेते हैं, देखिए इन दोनों तीनों को ऐड करने पे आ गया 10, 10 में 11 जोड़े 10 में 11 जोड़े 21, 21 में अगर 7 जोड़िएगा तो 28/5। ये भी आंसर सही है, आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो 5.6 तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहली बात, एक बात और आप क्लियर कर देता हूँ कि अगर जिसमें भी यूनिट, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि केजी में दिया होगा, अगर केजी में चल रहा है कि इसका औसत इतना है, इसका औसत इतना है, तो जिस यूनिट में दिया रहता है उसकी एवरेज भी उसी यूनिट में हम बोल देते हैं। सपोज करिए कि आपसे बोल दिया कि किसी शहर का 7 दिन का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस है, तो उसका औसतन टेम्परेचर क्या होगा? तो जो भी एवरेज आएगा उसमें हम सेल्सियस लगा देंगे। मान लीजिए कि आपके परिवार में 10 सदस्य हैं और सबका वजन दिया है केजी में, तो उसका जो औसत आएगा उसमें भी हम केजी लगा देंगे। कहने का अर्थ ये है कि जिस भी यूनिट में, जिस भी यूनिट के साथ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, हम फाइनल आंसर में भी उस यूनिट को पेस्ट करके, मतलब जस्ट उसके साथ हम अटैच करके आंसर को बता रहे होंगे। आइए इसी पे एक बार और सवाल आया था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। इसको आप इजीली टैकल कर लीजिएगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का क्या होगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्या क्या क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। आइए कुछ और आगे बात करते हैं। एवरेज के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है एक डेविएशंस कॉन्सेप्ट, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे डेविएशंस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं डेविएशन कॉन्सेप्ट। समझिए डेविएशन कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में 6 लोग हैं, किसी का उम्र है 6 साल, किसी का उम्र है 15 साल, किसी का उम्र है 29 साल, किसी का उम्र है 35 साल और किसी का उम्र है 40 साल, और कोई ऐसा भी है जो 2 साल का है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनकी उम्र दिया गया है कि ये 2 वर्ष का है, ये 6 वर्ष का है, ये 15 वर्ष का है, ये 29 वर्ष का है, ये 35 वर्ष का है और ये 40 वर्ष का है। अब इसका औसत फाइंड करिए, एवरेज फाइंड करिए। तो अभी एक जो तरीका हम लोग सीखे तो एकदम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था कि सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ना है और जितने मेंबर्स हैं उससे डिवाइड देना है। दूसरा कंसेप्ट होता है एवरेज निकालने का डेविएशंस कंसेप्ट। इसमें क्या होता है समझिएगा, आप सबसे पहले एवरेज
एवरेज निकालते समय आप अपने मन से इसमें से किसी भी एक डेटा को अपने मन से रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हम ऐसे डेटा को रखें कि जो बिल्कुल इन लोगों के आसपास हो। जैसे मेरे मन में चला कि मैं अगर मानना चाहूँ तो मैं एवरेज 29 को रखूँगा। आप 15 को भी रख सकते हैं, 20 को भी रख सकते हैं, जो भी मन आपका चाहे उसको रख सकते हैं। मैं एवरेज 29 को यहाँ सपोज कर लिया। इसको हमें क्या करना है, अपने मन से एज्यूम करना है। आप किसी भी संख्या को अपने मन से एवरेज मान सकते हैं। अब बताइए ये 2 साल इस औसत से कितना कम है, तो आप बोलेंगे कि ये 27 कम है, 27 कम है। ये जो 6 साल का बंदा रहा होगा या 6 साल का ये जो आदमी है, इससे कितना साल छोटा है, तो आप बोलेंगे 23 साल ये छोटा रहा होगा। 15 साल वाला आदमी कितना साल छोटा है, 14 साल छोटा है। अब ये 29, अब ये तो बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करने पे 0 हो गया। 35 साल वाला आदमी इससे कितना ज़्यादा, तो ये हो गया 6। 40 साल वाला आदमी कितना ज़्यादा है, तो 11 साल ज़्यादा है। हम लोगों ने क्या किया, इस एज्यूम किए गए एवरेज से अलग अलग ऑब्जर्वेशंस का कंपैरिजन कर दिए, तुलना कर दिए कि कौन कितना छोटा है और कौन कितना बड़ा है। अब इसके बाद जो हमारा डेविएशंस आया है, इन सबको जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा माइनस का 50, और इसको जोड़ेंगे 14 को तो माइनस का 64 हो जाएगा। इनको जोड़ने पे हुआ माइनस का 64, और इसको जोड़ने पे हुआ प्लस का 70। तो माइनस का 64 में अगर प्लस का 17 ऐड करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 47। मतलब माइनस का 47 हमारा आ रहा है डेविएशन। और इसी डेविएशंस को जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, परीक्षण होंगे, उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना रहता है। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसको काट कैंसिल कर दीजिए, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42 और 6 × 8 = 48। यहाँ से फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 6 × 7 = 42, यहाँ से 5 बचेगा, पॉइंट के बाद 0। आप यहाँ से इजीली समझ पा रहे होंगे कि 6 × 7 = 42, 5.0, 6 × 8 = 48, तो 7.8 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 29 में से 7.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 21.2। मतलब इसका जो एवरेज रहा होगा वो 21.2 ईयर्स रहा होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम डेविएशंस का इस्तेमाल करके किस प्रकार औसत को बड़े आराम से निकाल रहे होंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और बढ़िया से डेविएशंस को समझने की प्रयास करते हैं। ये टोटल आपको ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, 401 403 417 420 380 383 450 360। अब इसका एवरेज बताना है, का एवरेज क्या होगा। मतलब हमें इनका एवरेज बताना है कि एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो बड़े आराम से आप डेविएशन कॉन्सेप्ट में, अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए इसका एवरेज क्या होगा, तो डेविएशन कॉन्सेप्ट में आप अपने मन से एवरेज को एज्यूम कर लीजिए। इसका एवरेज आप अपने मन से जो मन करे वो एज्यूम कर सकते हैं। जैसे
मुझे लग रहा है कि 400 एज्यूम कर सकते हैं, तो आसान रहेगा, 400 एज्यूम कर लेते हैं। तो बताइए 400 से ये वाला ऑब्जर्वेशन कितना ज्यादा है, ये आंकड़ा कितना ज्यादा है प्लस का वन, 400 से 403 कितना बड़ा है प्लस का तीन, 400 से 417 कितना ज्यादा है तो प्लस का 17, 400 से 420 कितना ज्यादा है प्लस का 20, 400 से 380 कितना छोटा है माइनस का 20, 400 से 383 कितना छोटा है माइनस का 17। अब इसका हम जितने भी डेविएशंस हैं उनका हम नेट डेविएशंस निकाल लेते हैं, तो प्लस का 20 और माइनस का 20 कैंसिल हो गया, प्लस का 17 और माइनस का 17 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 3 और 1 प्लस का 4। अब इस प्लस के 4 को, और यहाँ पर और भी डेटा दिया हुआ है, अगर ये केवल इतना ही दिया रहता, सपोज करिए कि ये क्वेश्चन केवल इतना ही पे रहता, तो जितने आंकड़े थे 1 2 3 4 5 6 टोटल ऑब्जर्वेशंस हो जाते, 6 तो 6 से हम डिवाइड दे देते, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो बन जाता 400.66। तो इसका एवरेज निकल के आता 400.66। इसके बाद डेविएशन के कंसेप्ट आप सीख चुके हैं, आइए हम आपको और कुछ कंसेप्ट सिखाते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर हम शीट से, मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया शीट है, उस शीट से हम सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे। इसके बाद एक कंसेप्ट है उसको समझते हैं। यहां लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आंकड़ों की संख्या, और यहां दिया हुआ है आपको एवरेज। सपोज करिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है N1, इसका एवरेज है A1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N2, इसका एवरेज है A2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है N3, इसका एवरेज है A3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है N4, इसका एवरेज है A4। इसी प्रकार से प्रोसेस आगे की ओर प्रोसीड हो रहा है। तो पूछा जाएगा आपसे कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सभी आंकड़ों का औसत क्या होगा। तो क्या कीजिए कि जितने ऑब्जर्वेशन हैं उसको उसके एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस ऐसे ही अपॉन जितने ऑब्जर्वेशन की संख्या है उनसे हम ऐड कर देंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश डैश डैश। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, आइए एक सिंपल एग्जांपल से इन सारी बातों को फिर से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि किसी क्लास में कुछ लड़के हैं, बॉयज और लड़कियां, मैं आपसे बोलूं कि उस क्लास में 8 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं, 8 लड़के का डिफरेंट डिफरेंट हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो 8 लड़के का औसत जो वजन है, एवरेज जो वेट है, वो है 34 kg, ये इसका एवरेज हो गया। और जो 9 लड़कियां हैं इसका एवरेज वजन है 70 kg। अब आपसे बोल दिया कि टोटल क्लास का एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। अब 8 लड़के का औसत है 34, तभी देखिए N1 A1 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्लस N2 A2 मतलब 9 × 17 का प्रोडक्ट करना, अपॉन
जितने ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 और 9, दोनों को सम करिए ये हो जाएगा 17। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड दे देंगे और इसको इससे डिवाइड दे देंगे, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, 17 से 17 दूनी 34, तो 8 दूनी 16 प्लस 9 वन 9, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 25। तो जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उसका क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम देखें तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल है, आप देखे भी होंगे सीटूट में और बहुत किताबों में, वो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन है कि यदि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है तो सभी संख्या का औसत क्या होगा, सभी संख्या का औसत क्या होगा। तो अब ध्यान से समझिए, यहां पर x संख्या का औसत है y स्क्वायर, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं x और औसत कितना है y स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सिखाया था आपको n1 a1 प्लस n2 a2 yx2 अपॉन संख्या जितने भी हैं, संख्या कितना, ये ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण है, ये भी प्रेक्षण है, इसके सम से डिवाइड दे दीजिए। इसके घर में x कॉमन है और y कॉमन है तो x y हम कॉमन ले लिए, तो बचा y प्लस x अपॉन x प्लस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स वाई। तो आप समझ गए कि जो अभी मैं आप लोगों को फॉर्मूला या एप्लीकेशन सिखाया उसको, उस फॉर्मूला का ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में एप्लीकेशन है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में यूज करना है। आइए और भी कुछ हम बातें आपको बताते हैं जो स्टेट लेवल के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उस सारी बातों को आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। आपको क्या याद रखना है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसको लिखेंगे, डिनोट करने का तरीका है सिग्मा एन, और इस सिग्मा एन की वैल्यू हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। इसको डिनोट कैसे करेंगे, वन प्लस टू प्लस प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ऐसे ही आगे बढ़ते 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 एन तक। इसको हम लिखेंगे सिग्मा एन या समेशन एन, और इसकी वैल्यू हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे सपोज करिए कि आपसे क्वेश्चन आ गया कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डैश 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 प्लस 200 की वैल्यू क्या होगा, तो ये एक से शुरू हो रहा है, एक सीरीज है, नेचुरल नंबर जा रहा है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये जो लास्ट में है ये है एन की वैल्यू। तो अभी सिखाया एन, एन की जगह 200, एन प्लस 1 तो 200 में एक जोड़ी 201 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया 100 टाइम्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा। तो अगर इस तरह से कभी भी प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग पूछे तो आप सीधा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। और देखिए ध्यान से इसको और आगे देखते हैं, अगर हमसे एवरेज पूछ ले,
अगर सपोज करिए कि हमसे अगर ये औसत पूछ लेता कि इसका एवरेज बताइए क्या होगा, तो एवरेज का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही पढ़े हैं ऑब्जर्वेशन, जितने भी दिए गए प्रेक्षण होंगे उन सभी का योग अपॉन उनकी संख्या। तो करना क्या रहेगा, इसका सम तो हम निकाल ही चुके हैं एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर एक से स्टार्ट होकर एन तक जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एन प्लस वन अपॉन टू। तो आप सीधा इसका प्रयोग कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि प्रथम 483 प्राकृत संख्या क्या औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। अगर आपसे पूछ लिया कि प्रथम 483 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो औसत पूछ रहा है इस बार, तो औसत पूछ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 483 प्लस वन अपॉन टू, तो 484 बटा दो, तो 242 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, आप जब APGP पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो उसमें इसका एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, और भी पाइप एंड किस्टन हर जगह जहाँ भी आप चाहे इसको बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा कवरेज है मैथमेटिक्स में। और इस टॉपिक से अगर एवरेज से खास करके सवाल बनते हैं तो इसका वेटेज स्टेट लेवल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा रहता है। आइए इसी के आधार पे एक फॉर्मूला और है उसकी बात कर लेते हैं। प्रथम एन प्राकृत संख्या के वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स के फॉर्म में, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन स्क्वायर। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो सिग्मा एन स्क्वायर, जहां एन की वैल्यू वन से एन तक होगा। अगर एन की वैल्यू वन यहाँ पुट करेंगे तो वन स्क्वायर, एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो टू स्क्वायर, एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो थ्री स्क्वायर। अब इसकी फॉर्मूला बन जाएगा एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि इसका औसत बताइए एवरेज, चलिए हम एवरेज पढ़ रहे हैं तो एवरेज की बात ज़्यादा करेंगे, तो जब एवरेज पूछेगा तो ये सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड देंगे, तो एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स को जब हम एन से डिवाइड कर रहे होंगे तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो औसत निकालना हो तो हम इसका उपयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमसे एग्जाम्पल पूछ ले कि वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर डैश 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 40 के स्क्वायर का औसत बताइए, औसत क्या होगा। तो आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि ये जितने भी नंबर दिए हैं ये एक से शुरू भी हो रहा है और ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या के ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं, तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, इसी प्रकार पाँच का स्क्वायर, इसी प्रकार छः का स्क्वायर, चलते चलते 40 का स्क्वायर का औसत बताइए। तो औसत के लिए अभी जस्ट आपको डिराइव करके फॉर्मूला बताया गया, एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, एन की वैल्यू हो जाएगा 40, 40 प्लस वन 41,
40 दुनी 80 और 1 81/6। कैंसिल कर दीजिए, 3 का टेबल, 2 बार 3 का टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 टाइम्स। 27 को 41 से मल्टीप्लाई करिएगा, बहुत ही आसान है। आप 40 से मल्टीप्लाई करिए, 41 से मत करिए, 40 से करिए। 27 चौके हो जाता है 108 और 0 और प्लस 27 और ऐड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1107। 1107 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 5 3.5 और यही सवाल का आंसर होगा। अब स्क्वायर सीख गए, अब क्यूब सीख लेते हैं। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला उसको सीख लेते हैं। प्रथम इन प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन पॉइंट टू का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई बोलते हैं 1³ + 2³ + 3³ + ……, यहाँ से अगर पूछ दे 20 का क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए सीरीज 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसी प्रकार 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, कहाँ तक जा रहा है, n का क्यूब। तो फॉर्मूला लगाएंगे n n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे एवरेज पूछ ले कि इसका औसत बताइए क्या होगा, अगर आपसे एवरेज पूछ ले तो आप इसको थोड़ा समझिए, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर और दो का स्क्वायर 4, अगर इसी सम को जितने ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कितने हैं एन, एन से डिवाइड दे दें तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4। आप इस रिजल्ट को भी पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, बड़े आराम से आप इन तीनों फॉर्मूले के एप्लीकेशन को समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करना है। आइए और भी आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और बारी बारी से एक एक चीज़ों को हम अच्छी तरह से डील कर रहे होंगे कि कैसे सवाल होते हैं। अब जो हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा। चाहे आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा लीजिए, एमटीएस, सीएचएसएल, उसके पेपर में आपको एक से दो सवाल आपको दिख ही जाएगा, मतलब हर अल्टरनेटिव एक दो शिफ्ट के बाद में। देखते हैं किस प्रकार से, और उस कंसेप्ट को सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर इस प्रकार की बातें लिखा हो, लगातार प्राकृत संख्या, लगातार बोल दे, क्रमागत बोल दे, क्रमागत प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजीक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, या ऐसे बोल दे लगातार सम संख्या या विषम संख्या, कंजुगेटिव इवन या ऑड नंबर, या बोल दे सीरीज हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब ऐसी कोई सीरीज जिसके दो पदों के बीच का अंतर सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो। आइए मैं समझाता हूँ।
प्राकृतिक संख्या, जैसे सपोज करिए लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या कोई भी हो सकता है, जैसे मैं आपसे बोल दूं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सब क्या है? लगातार प्राकृतिक संख्या ही तो है। देखिए, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या जो होते हैं उनके बीच में हमेशा ऑलवेज एक का गैप होता है। देखिए, इन दोनों के बीच में हमेशा वन का गैप होता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्या के बीच में एक का गैप होता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्या के बीच में एक का हमेशा डिफरेंस एक का होता है। अब लगातार सम संख्या या विषम संख्या, अब मैं लेता हूँ सम संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 12, 14, 16, 18। अब ये लगातार सम संख्या है। दो लगातार सम संख्या के बीच का डिफरेंस दो होता है। हमेशा दो लगातार सम संख्या के बीच का डिफरेंस दो होता है। अब मैं लेता हूँ विषम संख्या, 13, 15, 17, 19। देखिए, दो लगातार विषम संख्या के बीच का डिफरेंस भी दो ही होता है। कोई ऐसा सीरीज जिसके कॉमन डिफरेंस सेम हो, जैसे मान लीजिए मैं एक सीरीज लिख दिया 7, 14, 21, 28, 35। अब आप दो नंबर के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करिए, तो 14 में से 7 घटेगा 7, 21 में से 14 घटेगा 7, 28 में से 21 घटेगा 7, 35 में से 28 जाएगा 7। तो ऐसी कोई भी श्रेणी, ऐसी कोई भी श्रृंखला जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर अगर सेम हो, इसका कोई अर्थ नहीं कि 7 हो, 9 हो तो सारे 9 दिखने चाहिए, 3 हो तो सारे डिफरेंस 3 दिखने। अगर ऐसा है तो हम इस श्रेणी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और अगर कोई सीरीज समांतर श्रेणी में है तो उन सब का औसत निकालना, इन सभी का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना है, इन सभी के औसत निकालने का फॉर्मूला होता है औसत बराबर एग्जैक्ट मिडिल टर्म या मिडिल टर्म। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इन सभी का औसत निकालना है, अगर इन सभी का औसत निकालना है, इन सभी नंबर का हमें औसत निकालना है, तो आप याद रखिए एवरेज बराबर, औसत बराबर मिडिल टर्म, मतलब बीचों बीच की संख्या, या इसी का दूसरा फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट टू। आप इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू या एग्जैक्ट मिडिल टर्म। आइए हम क्वेश्चन की भाषा से आपको और बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, क्वेश्चन लगातार दो सौ प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? लगातार 200 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? यहां ऐसे भी बोल सकता है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। मतलब प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन प्रथम 200 का मतलब प्राकृतिक संख्या तो एक से शुरू होता है, तो एक होगा, अगला दो होगा, तीन होगा, इसी प्रकार आखिरी जो प्राकृतिक संख्या वो होगा 200। अब इसका निकालना है हमें औसत। और अभी आपको सिखाया कि अगर कोई भी दिया गया श्रेणी, कोई भी श्रृंखला दिया गया हो और उसकी कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो आप बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉमन डिफरेंस मतलब दो लगातार पदों के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो तो औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू। तो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है 1, लास्ट नंबर पे क्या लिखा है 200 अपॉन
आप इसको 201 को 2 से भाग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 200 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 100, 1 को 2 से डिवाइड देंगे तो 0.5, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 100.5। तो ये इसको आप यूज कर सकते हैं। एक बार पेपर में ऐसे आया था कि प्रथम 51 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए, तो बड़ा आराम से सॉल्व कर लेते कि फर्स्ट में ये रहता, आखिरी में 51, यहाँ पर आप 51 पुट कर दीजिए तो 52/2, तो उसका करेक्ट आंसर रहा होगा 26। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने की प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो, जैसे सपोज करिए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूँ 72, 74, 76, 78 और 80 का औसत बताइए, 80 का औसत क्या होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल गया कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत फाइंड करना है, इसकी एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने का सबसे बेसिक तरीका तो यह है कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड देंगे। लेकिन एक तरीका और भी आपको बताया था कि डेविएशन के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, वो भी आपके पास है, डेविएशन से भी कर सकते हैं। सम ऑफ नंबर, सम ऑफ जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करिए और जितने ऑब्जर्वेशन है डिवाइड करिए, वो भी टेक्निक आपके पास है। पर यहाँ पर उनसे भी बढ़िया टेक्निक आपको जो दिखाई दे रहा है कि अगर सीरीज का डिफरेंस सेम हो, यहाँ ध्यान दीजिए 74 में से 72 जाएगा 2 का डिफरेंस, 76 में से 74 जाएगा 2 का डिफरेंस, 78 में से 76 जाएगा 2 का डिफरेंस, 80 में से 78 जाएगा 2 का डिफरेंस। और अगर किसी सीरीज का डिफरेंस सेम हो तो उसका एवरेज फाइंड करने का तरीका भी सिखाया था, एवरेज बराबर मिडिल टर्म। अब बताइए यहाँ पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 5 फिंगर है इसमें एग्जैक्ट मिडिल में कौन है, तो आप बोलेंगे एग्जैक्ट मिडिल में तो ये है। इसका अर्थ हुआ कि ये 5 लोग अगर बैठे हैं तो इसके बीचों बीच कौन बैठा है, तो आप बोलेंगे सर ये एग्जैक्ट बीचों बीच में बैठा है। तो इसका अर्थ है कि जो मिडिल में बैठा है वही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा, तो इसका एवरेज हो जाएगा 76। आप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करके भी फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट आपका आंसर 76 ही आएगा। और देखिए, और भी दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसे रहता 80, 82, 84, 86, 88 और 90 का एवरेज क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता कि इसका एवरेज क्या होगा, तो एग्जैक्ट बीचों बीच में देखना है। एग्जैक्ट बीचों बीच कहने का मतलब, यहाँ से देखिए 3 मेंबर इधर से ले लेते हैं और 3 मेंबर इधर से ले लेते हैं, तो 3 और 3, 6 हो गए। मतलब एग्जैक्ट मिडिल में जो बंदा बैठा होगा वो 84 और 86 के बीच में होगा, 84, 84 और 86 के बीचों बीच में होगा। अब एक्चुअली ये प्राकृतिक संख्या तो है नहीं कि बीच की गैपिंग एक होगी, ये है इवन नंबर, और दो लगातार इवन नंबर के बीच की गैपिंग होती है 2। अब 2 अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 2 है और अब उसको हम बीचों बीच में बांटना चाहते हैं, तो एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। इसका मतलब कि 84 और 86 के बीचों बीच अगर बांटे तो वो आएगा 85। तो इसका अर्थ है कि 84 और 85 के बीचों बीच में रहा होगा 85, और वही हमारा एवरेज रहा होगा, तो एवरेज बराबर 85 इसका करेक्ट आंसर बना होगा। आइए और दिखाते हैं, अगर हम लगातार विषम संख्या ले लें 131, 133, 135, 129, 127, 137, और मैं आपसे बोलूं कि इसका एवरेज कैलकुलेट करिए क्या होगा, तो एक तरीका तो ये है जो सबसे बेसिक है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ के जितने ऑब्जर्वेशंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उससे आप डिवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका है आपके पास डेविएशन अप्रोच, कि आप किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लें कि वो उसका एवरेज है,
और डेविएशंस मेथड में हम एवरेज किए जो एज्यूम करते हैं उसी से हम कंपैरिजन करके रियल एवरेज निकाल रहे होंगे। और तीसरा बताया अभी कि आप पहले सीरीज को देखिए कि क्या वो ऐसा सीरीज तो नहीं है कि जिसके बीच का डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो पता चला कि यहाँ के दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, और अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू। एक तो तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका ये है कि एग्जैक्ट मिडिल में चले जाए, एग्जैक्ट मिडिल में चले जाए, मिडिल टर्म, एग्जैक्ट मिडिल टर्म देख लें। तो अब बताइए सात मेंबर हैं तो इसके एग्जैक्ट मिडिल में अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट मिडिल में कौन बैठा है, बीचों बीच कौन बैठा है, तो एग्जैक्ट मिडिल में बैठा है 133। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 133। 133 आप बड़े आराम से समझ रहे होंगे कि अगर सम संख्या हो, विषम संख्या हो, कोई प्राकृतिक संख्या हो, तो सभी का औसत निकालने का तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू या एग्जैक्ट मिडिल टर्म। एग्जैक्ट मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं आप देख रहे हैं। अब मैं कोई भी एक सिंपल सा सीरीज ले लेता हूँ, आपको एक सीरीज लेकर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, और यहाँ से ले लेते हैं 108, 108। अब मैं आपको बोलूँ कि इसका एवरेज बताइए, तो ये एक प्रकार की श्रेणी है जिसके दो पदों के बीच का अंतर सेम है। देख लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 24 को 12 से सब्ट्रैक्ट करिए तो 12 ही आएगा, 36 को 24 से घटाइए 12 आएगा, 48 को 36 से घटाइए 12 आएगा, मतलब हर दो लगातार पदों के बीच का डिफरेंस सेम है। तो एवरेज निकालने का तरीका होगा मिडिल टर्म, और एक दूसरा तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू। तो फर्स्ट कितना है 12, लास्ट कितना है 108 अपॉन टू। तो यहाँ से बड़े आराम से आप दोनों को ऐड करके भी डिवाइड दे सकते हैं, अलग अलग भी आप डिवाइड दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। इस 12 को 2 से अलग डिवाइड दे दिए, इसको अलग दे दिए, और दोनों को जोड़ दिए। इकट्ठा दोनों को ऐड करके भी दे सकते थे, अलग अलग भी हम कर सकते थे। तो आप देख रहे हैं, या अगर इतना नहीं करना है तो आप सीधा सीधा देख लीजिए कि एग्जैक्ट मिडिल में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम ले लिए चार टर्म, इधर से भी ले लिए चार टर्म, इधर से चार टर्म, इधर से चार टर्म, तो जो बीच में बैठा है वही हमारा एवरेज होगा। तो औसत बराबर हो जाएगा 60। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप टेकल कर रहे हैं। इतना प्रोसेस के बाद अब हम लोग और भी कुछ बातें देखते हैं। मेरे द्वारा सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस एक सिस्टमेटिक पैटर्न में है, और उसी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से वन बाय वन क्वेश्चन लेते हुए आपकी अप्रोच को और भी बढ़िया करते चलेंगे। तो आइए हम सीट के अब क्वेश्चन से आपको मैं पूरी कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। सीट के क्वेश्चन से आपकी जो क्वेश्चंस के अप्रोच है सॉल्व करने के तरीका में बहुत ही फर्क दिखाई देगा। अभी तक मैंने जो बताया वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स हैं जो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मदद करेंगे। तो सीट का ये सीट आपको जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने लगूंगा तो सारे सवाल आपको स्लाइड्स के फॉर्म में चलेंगे। आज मैं आप लोग को बताया था कि आज के जो लेक्चर्स हैं मुझे व्हाइट बोर्ड पर लेना पड़ रहा है। जब मैं अगला जब क्लास लूँगा, जो अगला क्लास मेरा होगा, तो उस दिन से आपको ये पूरी डिजिटल बोर्ड दिखेगी, और हम लोग बहुत ही एक नए अंदाज में, बहुत ही नए तरीके से और न्यू विजन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे होंगे। और आप लोग को भी आई होप बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्वेश्चंस के कंटेंट, लेटेस्ट पैटर्न जो एग्ज़ाम टीसीएस पूछ रहा है, उन तमाम चीज़ पे हम वर्क कर रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख कर ये बात बता सकते हैं कि किस प्रकार की परेशानी आपको पढ़ाई में आ रहा है मैथ्स से रिलेटेड।
तो डेफिनेटली उस पर हम मिलजुल कर काम करेंगे। देखिए क्या होता है, पढ़ाई ये सिंगल वे से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर डबल वे आना पड़ेगा, दोनों तरफ से चाहिए। जितना मेहनत हम आपके लिए करें उतना मेहनत आपको भी मेरे साथ करना पड़ेगा। सपोज करिए कि मैंने आज आपको कंसेप्ट बता दिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दी, और आप अगर उन क्वेश्चंस को रिवाइज ही नहीं करेंगे, उन क्वेश्चंस पे काम नहीं करेंगे, उनकी भाषा को पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो कंसेप्ट आपका तो कभी बनेगा ही नहीं। वो कंसेप्ट मेरा है, मैं सॉल्व करता हूँ, मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जबकि पेपर आपको देना है, पेपर में परफॉर्मेंस आपको करनी है, सिलेक्शंस आपको लेने हैं, तो जितना मैं मेहनत करूँ मेरे से 10 गुना मेहनत आपको ज़्यादा करना है। क्योंकि एक शिक्षक को मार्गदर्शन देना काम है, लेकिन एक विद्यार्थी को उस मार्गदर्शन को फॉलो करके एग्जाम हॉल में इतना कठिन प्रेशर को झेलते हुए पेपर निकालना है। और एक सिंगल प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही एक प्रोसेस है। आप सोचिए, आपका सेंटर एक सिटी से दूसरे सिटी में भेज दिया, अब आपका मानसिक तनाव भी अलग है, बहुत सारे सिलेबस छूटे हुए हैं, या इतनी सारी सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, इतने सारे सब्जेक्ट को आप लेके चल रहे हैं, और आपके पेपर से 10 दिन एक महीना पहले कितना मानसिक प्रेशर है, और आपका सेंटर किसी शहर से दूसरे शहर में है, अब वहाँ वो शहर आपके लिए अनोन है, वहाँ आप जा रहे हैं 1-2 दिन पहले जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मानसिक स्थिति क्या है, इन तमाम प्रेशर को फेस करते हुए एक विद्यार्थी को पेपर देना पड़ता है और अच्छे रिजल्ट लाने पड़ते हैं। तो आपका मेहनत करने का तरीका एक शिक्षक से 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए आप लोग को मेहनत हम लोगों से 10 गुना ज़्यादा करना है। और इसके लिए आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेटेड अगर रहेंगे तो आपको दुनिया का किसी भी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो दुनिया का हर वो कठिन से कठिन काम आप डेफिनेटली कर लेंगे। और तनाव में रहने से कोई भी काम आपका आसान नहीं होगा, इसलिए कोशिश करिए कि तनाव फ्री रहे। तनाव में रहकर अगर कोई सोचे कि हम ये काम कर लेंगे, या कोई भी काम आप खुशी मन से जब तक नहीं करेंगे, कोई भी काम आपका संपूर्ण पूरी मन से पूरा हो ही नहीं सकता। कोशिश करिए कि तनाव को हम रिलीज करें, तनाव आने ही ना दें। पर ये स्वाभाविक है कि तनाव को कोई आने नहीं देता है, वो आप पे हावी धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करें। जैसे मेडिटेशन हो गया, सुबह सुबह थोड़ा वार्मअप हो गया, ये सब अगर आप करते हैं तो कुछ हद तक आप ये सब मानसिक तनाव से दूर रहेंगे। आइए हम सीट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और फिर आपको एक एक चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस है कि एक कक्षा में लड़का लड़की की संख्या एक्स और वाई है। क्वेश्चन है कि किसी क्लास में लड़का और लड़की की संख्या है एक्स और वाई। तो कोई क्लास में लड़का और लड़की की संख्या, सपोज करिए कि कोई क्लास है जिसमें कुछ बॉय है और कुछ गर्ल्स हैं, इनका नंबर दे दिया, मतलब इनकी संख्या दे दिया x और y। क्लास में लड़के की संख्या कितनी है x और लड़कियां कितनी है y। फिर बोला लड़कियों और लड़कों की औसत उम्र। अब यहां समझिए, यहां दिया है एवरेज एज, एवरेज एज। पहले क्वेश्चन में लड़का का बात नहीं किया, लड़की का। तो लड़की का औसत कितना दिया है यहां पर, ए वर्ष मतलब इयर्स, और लड़का का दिया है बी वर्ष मतलब बी इयर्स। और पूछा है कि द एवरेज एज ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, तो उस क्लास में जितने भी सभी लड़के और लड़की का औसत वजन क्या होगा, या सॉरी औसत वर्ष क्या होगा। यहाँ पर इयर्स है तो इयर्स हो जाएगा, अगर वेट रहता तो वजन हो जाता। आपको पहले ही मैं एक कंसेप्ट सिखा रखा हूँ कि N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3 प्लस N4A4 इस प्रकार के प्रोसेस चलते रहते हैं। तो x में b का इनटू होगा xb प्लस y में a का इनटू होगा ya अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, तो x प्लस y। और यही इस सवाल का
करेक्ट आंसर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं। शीट के क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे, मेरी टेलीग्राम चैनल्स पे भी आपको ये शीट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर जगह आसानी से शीट के सीक्वेंस वाइज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य विद्यार्थियों का औसत 68 है, तो पूरे 17 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन है कि कोई एग्जाम में 8 विद्यार्थी द्वारा, ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी की ये संख्या है, 8 विद्यार्थी है, इनका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, औसतन प्राप्तांक 51 है, और जो अन्य विद्यार्थी बचे, अब अन्य में यहां पता नहीं है कि कितने विद्यार्थी हैं, इनका औसत दिया है 68। लास्ट में बोला कि पूरे 17 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा, तो पूरे 17 विद्यार्थी मतलब टोटल स्टूडेंट्स दिया हुआ है पेपर में 17, तो डेफिनेटली 8 विद्यार्थी यहाँ है तो ये 9 विद्यार्थी रहे होंगे, 8 विद्यार्थी पहले हैं तो ये 9 विद्यार्थी रहे होंगे, तभी तो पूरा क्लास में 17 विद्यार्थी हो पाएंगे। अब आपसे बोला कि ओवरऑल एवरेज क्या होगा, सभी का औसत क्या होगा, तो इस 8 को 51 से गुना कर दीजिए, तो 8 × 51 प्लस 9 × 68 अपॉन संख्या, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 8 विद्यार्थी इधर, 9 विद्यार्थी इधर, तो टोटल हो जाएगा 17। एक तो तरीका यह है कि आप इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, डिवाइड करिए, पर ऐसे करने में थोड़ा सा आप पीछे छूट जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 17 × 51 और 17 × 68, तो ये हो जाएगा 38 × 24 और 9 × 36, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 60। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया 60। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूँ कि एक्स संख्या का औसत वाई स्क्वायर, वाई संख्या का औसत एक्स स्क्वायर, तो सभी संख्या का कुल औसतन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, कहीं पर भी आपको दिख जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम अब थोड़ा सा फिफ्थ की बात करते हैं, फिर फिफ्थ के बाद में आपको फोर्थ वाला जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है उसको मैं डिस्कस कराता हूँ। तो हम सीट का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लेते हैं। क्या है क्वेश्चंस, पहले समझिए, क्वेश्चन नंबर पहले हम पांचवा करेंगे देन हम फोर्थ करेंगे। इसमें पूछा है कि 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 है तो x बराबर व्हाट। पूछा है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा, तो आप ध्यान से समझिए, ये जितने भी ये सब दिए हुए सब आंकड़े हैं, प्रेक्षण है, 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत कितना है, 15। औसत जो होता है वो एक प्रकार का एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, वो एक प्रकार का इमेजिनेशन, इमेजिन कर लेते हैं, अपने मन से हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि इस आदमी के पास इतना रुपया है, पर वास्तव में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे सपोज करते हैं कि अगर हम इसका औसत बोल रहे हैं 15, तो इस आदमी के पास 15 वास्तव में है, लेकिन देखिए इसके पास 15 नहीं है, इसके पास 15 से ज्यादा भी है, तो अगर किसी का औसत 15 है तो इट मे बी पॉसिबल कि उसके पास उतना वैल्यू हो या उससे कम हो या उससे ज्यादा, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता औसत। ऐसा मत समझिए कि किसी का औसत अगर बोल दिया तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो ही नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। अब गौर से सुने, तो औसत दिया है 15, तो मैं आपको शुरुआत में ही एक फॉर्मूला सिखाया था कि अगर सम निकालना हो तो एवरेज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से
गुना कर दीजिए। अगर हमें सम निकालना है तो इसका एवरेज दिया है 15, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 15 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। इसका अर्थ है कि हम अगर इन सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ दें तो हमें आना चाहिए 105। आइए जोड़ के देख लेते हैं, 7, 11, 18, 18, 5, 33, 33 में अगर ये जोड़ेंगे 14 तो हो जाएगा 33 + 47, 47 में अगर 46 जोड़ेंगे, 47 में अगर 46 अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 93। तो 90, 47 प्लस यहाँ से हो गया, ठीक है, प्लस x बराबर 105, तो x की वैल्यू हो जाएगा 105 - 93, 12। तो जो x का मान आएगा ये आएगा 12। ये तो एक बहुत ही बेसिक अप्रोच है जो शायद बहुत से कॉमन विद्यार्थी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको कॉमन तो बनना नहीं है। अगर हम कॉमन बनेंगे तो नौकरी हमारे लिए कॉमन रहेगी नहीं, तो हमें कॉमन नहीं बनना है। देखिए कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं, उसका सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या होगा उसको समझने की प्रयास करते हैं। जितना औसत दिया है, ये दिया है औसत 15, अगर एवरेज पेपर में दिया है तो आप उसी एवरेज से दिए गए ऑब्जर्वेशन को तुलना करवा दीजिए, कंपैरिजन करवा दीजिए, तो बताइए इस 15 से ये कितना छोटा है, तो -8 छोटा है। 15 से कितना छोटा है, तो ये 3 छोटा है। 15 से कितना छोटा या बड़ा है, तो 0। एक्स के बारे में अभी कुछ पता नहीं, कितना छोटा है 1, 21 कितना बड़ा है 6, 25 कितना बड़ा है 10, और ये जितने भी डेविएशंस आए हैं हमेशा नेट डेविएशंस 0 होता है, नेट डेविएशंस। अभी इस बात को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्यों, कैसे, कहाँ से। अभी आप इतना समझिए कि -8, -3, +0, -1, +6, +10, अगर हम इसको सॉल्व करें तो -8, -3, -11 और -12, और -12 और ये देखिए यहाँ से कट गया 12, 8, 3, 11 और 1, 12, यहाँ से 12 कट गया, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, फिर से बताएं जरा, एक मिनट, प्लस का 6, यहाँ से 10, ये एक कम, यहाँ से 4, सॉरी ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि 15 से ये 4 कम है, 4 कम है, तो 8, 4, 12, 13, माइनस का 13 और प्लस का 16, तो इसकी जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा प्लस का 3। और अभी सिखाया कि नेट डेविएशन हमेशा 0 होता है, तो इस +3 को हटाने के लिए, इस +3 को हटाने के लिए हमें यहाँ लेना पड़ेगा -3। अगर हम -3 लेंगे तभी ये नेट डेविएशन 0 बनेगा। माइनस का 3, इसका अर्थ है कि ये एवरेज से माइनस का 3 होगा, तो x की वैल्यू 15 से माइनस का 3 होगा, तो x का एक्चुअल जो वैल्यू रहा होगा वो रहा होगा 12। अब आपको ये चीज़ समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा कि आखिर हम ये नेट डेविएशन 0 क्यों कर रहे हैं। सपोज करिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, उसको समझने की प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता कि 6, 8, 10, 12, 14 का एवरेज बताइए, इसका एवरेज बताइए, तो आप एवरेज बोलते हैं कि सर ये एक सम संख्या है और लगातार सम संख्या है, लगातार सम संख्या है, लगातार सम संख्या है, तो जो बीचों बीच होगा वही इसका औसत होगा, तो इसका औसत हो गया यहाँ से 10। इतना समझ आ रहा है सब लोग, क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम नेट डेविएशन की बात करते हैं, बताइए इससे 10 से ये डेटा कितना छोटा है, 4, इस 10 से कितना छोटा है, 2, ये क्या है, 0, कितना ज़्यादा है, प्लस का 2, कितना ज़्यादा है, प्लस का 4। अब हम इसका नेट डेविएशन चेक करते हैं, अगर हम इसका नेट डेविएशन चेक करते हैं तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, 0 है, तो आप देख सकते हैं कि नेट डेविएशन बराबर 0। यही सेम कंसेप्ट को हम उस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर रहे हैं। कभी भी प्रश्न में अगर इस प्रकार का सिनेरियो हो तो आपको क्या करना है, नेट डेविएशन को 0 करना है।
इसके आधार पे एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा गया था एसएससी में, उस सवाल को मैं भी आपको देख के और नेट डिवीजन के कॉन्सेप्ट को और बढ़िया से समझते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सीट के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। मैं सारा सवाल को आपको अच्छे तरह से लिख के दिखा देता हूँ कि यदि 23, 15, 19, 7 का औसत 16 है, इसका औसत दे दिया 16, एक डेटा और दिया है 37, 28, 53 y 42, 41 का औसत 42 का औसत 41 है, का औसत 41 है। तो पूछा है x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या, ये क्वेश्चन कंप्लीट दिया हुआ है कि 23 15 19 x 12 7 का एवरेज दे दिया, इसी में सेम क्वेश्चन में 37 28 53 y 42 का औसत 41 दे दिया, तो पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आइए डेविएशन अप्लाई करते हैं। अब आप परफेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन के बाद आप डेविएशन की कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगर ये एवरेज 16 है तो कंपैरिजन करवा दीजिए, 16 से कितना ज़्यादा है प्लस का 7, 16 से कितना कम है माइनस का 1, 16 से कितना ज़्यादा है प्लस का 3, 16 से कितना कम है माइनस का 4, 16 से कितना कम है माइनस का 9, इतना काम समझ गए। 41 से कितना कम है माइनस का 4, 41 से कितना कम है माइनस का 13, 41 से कितना ज़्यादा है, 41 से कितना ज़्यादा है प्लस का 1। अब नेट डेविएशन 0 कर दीजिए, तो 7 3 10 प्लस का 10 और ये माइनस का 10 कैंसिल। इस माइनस 4 को, इस माइनस 4 को नेट डेविएशन 0 बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए प्लस का 4, मतलब ये प्लस का 4 का मतलब है कि ये औसत से ज़्यादा 4 होगा, तो औसत से 4 ज़्यादा होगा तो x की वैल्यू निकल गया 20। देखिए बड़े आराम से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम y की वैल्यू दिखाते हैं निकाल के, ये हुआ माइनस का 12 माइनस का 13 और ये प्लस का 12 प्लस का 1, तो प्लस का 12 और प्लस का 1 बनेगा प्लस का 13, से माइनस का 13 कैंसिल। इस माइनस 4 को नेट डेविएशन 0 करने के लिए हमें यहाँ यूज करेंगे प्लस का 4, मतलब y की वैल्यू इस औसत से 4 बढ़कर होगा, y की वैल्यू इससे 4 बढ़कर होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगा 45। अब जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है वहाँ पर हम आते हैं, x की वैल्यू निकला 20, y की वैल्यू निकला 45, y की वैल्यू 45 माइनस 20, तो 65 अपॉन 25, 5 का टेबल 13 बार, 5 का टेबल 5 बार, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर बनेगा 2.6। आई होप आप डेविएशन की कंसेप्ट को अब समझ चुके होंगे। कोई पूछ दे कि डेविएशन क्या है, तो डेविएशन कुछ नहीं, डेविएशन एवरेज से, हम डेविएशन के माध्यम से एवरेज से हम कंपेरिजन करवाते हैं, और एवरेज से हम कंपैरिजन करवाकर वास्तविक एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। आइए अब हम इसके आगे के शीट के क्वेश्चंस को लेते हैं। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से अगर रेगुलर कंटिन्यू अगर चीज़ों को करते जाएंगे तो ये सब चीज़ आपके भी प्रैक्टिस में आ जाएगी, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए कोई भी सवाल अप्रोच को बार बार करते रहना है, प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करना है। जब भी सवाल सॉल्व करें पेन पेपर लेकर बैठें, देन आप तैयारी करें, ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपका माइंड ब्रेन और हाथ पेन दोनों एक साथ पैरेलल चलना चाहिए। ब्रेन चल रहा है पेन नहीं चल रहा है जब भी दिक्कत है, ब्रेन नहीं चल रहा है पेन चल रहा है जब भी दिक्कत है, और अगर दोनों की कॉम्बिनेशन एक साथ रहेगा जब ही आप एक अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे पेपर के समय में। तो क्वेश्चन नंबर हम 6th को देखते हैं, आज ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे, और फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में जब आपसे डिजिटल बोर्ड पे मिलेंगे तो बहुत ही अलग ही तरीके से सारी चीज़ें रहेगा। आज की क्लास में थोड़ा सा मुझे भी अटपटा लग रहा है कि व्हाइट बोर्ड पे हम आपके सामने चीज़ों को ला रहे हैं,
उस दिन हम जब इंटरेक्ट होंगे तो आपको खुद लगेगा कि एक अलग ही बेहतरीन क्लास रहेगा और बहुत ही अलग ढंग से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें हमारे पास रेडीमेड रहेगी, सारा क्वेश्चंस भी लिखे रहेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको हम ज़्यादा बातें डिलीवर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक हम ट्रांसमिट कर पाएंगे और आपको भी वहाँ पर अच्छा लगेगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6th और 7th को करके आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सीट का, कि पहले 200 धनात्मक पूर्णांक संख्या का औसत क्या है। तो पहले 200 धनात्मक पूर्णांक संख्या का औसत क्या है? पहले 200, तो जीरो तो लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो शुरुआत होगा 1 से, तो 1, 2, 3 इसी प्रकार चलते 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 लास्ट में 2। अब हमसे पूछा है औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो अभी सिखाया कि अगर किसी भी श्रेणी का 2 लगातार पद का अंतर समान हो तो आप औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर दीजिए। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 100.5। आइए क्वेश्चन नंबर, हम 6th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 7th को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th क्या है उसको समझते हैं। 1 से 83 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स दोनों में होगा, बाइलैंग्वेल है, क्वेश्चन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं अगर आपको विजुअल हो तो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस बिल्कुल हैं, पर टाइम के अभाव के कारण, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो अभी फ़िलहाल के लिए, इसलिए मैं बायलैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चंस दोनों में अवेलेबल हैं। 1 से 83 तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 83। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलते चलते 83 का स्क्वायर तक का पूछा है। औसत का फॉर्मूला सिखाया था आपको, n+1 2n+1/6, n की जगह रख दीजिए, 83+1 हो जाएगा 84, 83 2 हो जाएगा 166 167/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा 14 6 84, तो 14 × 167। अब यहाँ पर ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऐसा एक ही ऑप्शंस है जो लास्ट में 8 डिजिट को रखे हुए हैं, 4 × 7 = 28, इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 7 = 28। तो एक ही ऑप्शन था जिसके लास्ट में 8 है, तो बड़े आराम से आप टिक कर दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम यहीं रखते हैं, अगले क्लास में आपसे हम इंटरेक्ट होंगे। चलिए जय हिंद, अपना खुद का ख्याल रखिए, सेहत पे विशेष ख्याल रखिए, और फिर पढ़ाई तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। जय हिंद, जय भारत।